माता, जय जवान जय किसान। और आज क्या है, हमारे फार्म पे जो एक गाय है, बहुत बढ़िया गाय है, बड़ी गाय है, और ये बहुत जल्द ही हमारे फार्म पे बच्चा देने वाली है। और बहुत अच्छी गाय है, बहुत अच्छी पेडिग्री में, बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत बढ़िया नस्ल की गाय है। वैसे तो है नॉर्मल डोज की गाय है, और ये गाय में हमें बहुत अच्छा बुल का, हमने सीमेन का उपयोग किया है, और ये गाय बहुत जल्दी बच्चा देने वाली है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो का मज़ा लीजिए और आगे ऐसे बने रहना। तो मैं आपको वही गाय दिखाता हूँ, और बहुत अच्छी गाय है, वैसे तो नॉर्मल डोज की गाय है। आप ये देखिए, पहले तो आप ये हमारे फार्म की सबसे प्रिय गाय जो मेरी है, तो वही वो गाय है। वैसे है बछड़ी, लेकिन वो भी प्रेग्नेंट है, ये बहुत ये जल्दी ही बच्चा देने वाली है। वैसे है थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम है उनके पास। तो चलिए, हमें जो इस गाय की मैं बात कर रहा था, आते ही मेरे पास आने लगी। वैसे मारती नहीं है, लेकिन मैं क्या इसे इनको ऐसे खुजली करवाने के लिए मेरे पास आई है। अब ये देखिए, तूफान नहीं, खुजली करवाने के लिए आई मेरे पास। ऐसा भी आप भी गाय रखते हैं तो ऐसा थोड़ा बहुत टाइम निकालो, और गाय के साथ टाइम निकालो तो गायों को भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। तो मैं आपको अब इसका थोड़ी बहुत डिटेल में थोड़ी बात बताता हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहना। क्या है कि जो ये गाय है, हमने अभी इसके पास मेरे ख्याल से 5-6 दिन या तो 10 दिन तो नहीं लेगी, इतना टाइम है उसको बच्चा देने में। तो अभी तो जो आप ये देख सकते हो गाय, अभी तो इनकी थन की क्वालिटी देखिए। ये पहले मैं इनका आपको थोड़ा बहुत थन दिखा देता हूँ, थन और हडर की क्वालिटी दिखा देता हूँ। देखिए, पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत अंधेरा है। इसमें क्या है कि जो एक गाय का हमने सीमेन की बात करें, तो हमने इसमें गाय में सीमेन यूज़ किया है, और KGSG वाला जो कंपनी का जो हमने सीमेन यूज़ किया है, जो दानवीर बुल है, दानवीर का बुल का हमने उपयोग किया है इस गाय में। उसकी तो पूरी डिटेल में आपको बात आगे बताऊंगा। देखिए, थन वगैरह सब कुछ देखिए आप। अभी तो उसने आधा भी ऑर्डर नहीं छोड़ा है, अभी तो और भी ज़्यादा वो ऑर्डर बनाएगी। वैसे वो गाय है नॉर्मल डोज की, लेकिन क्या हमारे पास गाय तो बहुत ज़्यादा है, 5-6 गाय है, तो हमने सोचा कि हमें क्या सीमेन का डोज यूज़ करते हैं, तो हमने सोचा कि हमें धीरे धीरे थोड़ा बहुत ज़्यादा जो अच्छा बुल है उसका, अच्छे बुल का हम सीमेन यूज़ करके थोड़े बहुत नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए हमें धीरे धीरे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छा सीमेन डोज उपयोग करके। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही हमको सपोर्ट देते रहिए, और हमको थोड़ी बहुत जानकारी देते रहिए, और गायों पर हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे।